बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ वेस्टर्न हाउस स्कूल सिस्टम, क्लास 9th। टुडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, इज ऑन पेज नंबर 77 ऑफ योर टेक्स्ट बुक एज यू आर वॉचिंग इन द वीडियो। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे इज स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। एंड एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टेट ऑफ मैटर, एंड देर आर सम टर्मिनोलॉजीज विच आर एसोसिएटेड विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस स्टेट, सम ऑफ विच वी हैव स्टडीड यस्टरडे एंड सम अदर्स आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रेशर, द फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे, इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाई द एटमोसफियर एट द सी लेवल। सी लेवल पर एटमोसफियर के जरिए जो प्रेशर एक्जर्ट किया जाता है, एयर प्रेशर जो एक्जर्ट किया जाता है सी लेवल पर, उस प्रेशर को स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रेशर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन इस तरह से की जा सकती है कि ऐसा प्रेशर जो कि एग्जर्ट किया जाए मरकरी कॉलम के जरिए, जिसकी हाइट सी लेवल पर 760 मिलीमीटर हाइट है मरकरी कॉलम की, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर मरकरी एज ए मटेरियल, यानी हीट मैयर करने वाले मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मरकरी का जो कॉलम है या उसकी जो हाइट है एट सी लेवल 760 मिलीमीटर हो, तो उस 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है एट सी लेवल, उसे स्टैंडर्ड एटमोसफेरिक प्रेशर कहते हैं। इट इज़ सफिशेंट प्रेशर टू सपोर्ट अ कॉलम ऑफ मरकरी मिलीमीटर इन हाइट एट सी लेवल, और सी लेवल पर इस हाइट पर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम को सपोर्ट करने के लिए ये प्रेशर सफिशेंट है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो कि 760 टॉर के इक्वल है, और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो 1 टॉर के इक्वल है। तो इस हिसाब से 101325 इसका नॉर्मल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यानी प्रेशर का फार्मूला है, और प्रेशर का जो यूनिट है वो पास्कल है, 101325 पास्कल भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है कंप्रेसिबिलिटी। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू द कंप्रेसिबिलिटी, मतलब दबा देना, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाईली कंप्रेसिबल हैं क्योंकि उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब ये गैसेस को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, और इस लिहाज से लेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द अनकम्प्रेस्ड स्टेट की निस्बत, ज़्यादा अच्छे तरीके से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं विद दी पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी।